हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण सिंह एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट आईक्यू। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, किस तरीके से हमें देखना चाहिए और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एक कंपनी को बाय करते हैं। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये बताता है कि जो शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है नो डाउट, बट काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपनीज मैन्युपुलेट कर सकती है। काफी सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज होती है जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी मैन्युपुलेट किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें जरूर, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उन सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर तो आपको काफी अच्छे से समझ आएगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी को हम किस तरीके से देख सकते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में देनी है। सो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी हम जो भी शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में, उसमें कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर अब हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे बना रखा जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, हमारे पास प्रेफर्ड इक्विटी है एंड डेट है। ये एक पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है बेसिकली। कैपिटल को हम टर्नओवर भी कहते हैं। सो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या। सो इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें ऑनर का, इन्वेस्टर्स का पैसा आता है जब कंपनी को वो स्टार्ट करते हैं, सो उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं आपके कंपनी के जो भी कैश होते हैं या जो भी कंपनी का प्रॉफिट्स में जो भी पैसा बनता है, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, वो सारा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। प्रेफर्ड इक्विटी होते हैं आपके वो प्रेफर्ड इक्विटी होल्डर्स होते हैं जिनको डिविडेंड कंपनी कभी भी अनाउंस करती है। सो सबसे पहले जो डिविडेंड्स है वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डेट होता है जो भी बैंक से कंपनी डेट लेती है, सो उसे हम डेट कहते हैं। सो अभी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर लिया, उसमें हमने कंपनी का टर्नओवर लिया सपोज 10 लाख में हमने देखा 2 लाख कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ले लिया, रिजर्व एंड सरप्लस हमने 1.5 लाख का ले लिया, प्रेफर्ड इक्विटी हमने 1.5 लाख का ले लिया और जो डेट है हमने वो भी 5 लाख का ले लिया। अब एक इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें मैंने पूरा एबिट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, टैक्स है, पैट है, ये मैंने पूरा आपको समझाया है अपनी पहली वाली वीडियो में जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैंने समझाया, आप वो देख सकते हैं। सो हमने सपोज ये ले लिया। अब हम देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे डेट है, डेट कंपनी जो लिया है कंपनी ने 5 लाख का, उस पर कंपनी जो है 10% इंटरेस्ट ले रही है। सो अब आप लेके चलो कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2 लाख का है, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट लिया जो कंपनी दे रही है 10%। सो 5 लाख का अगर हम देखेंगे यहाँ पे 10% जो हो गया वो 50,000 हो गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया हमारे पास 1,50,000, इन दोनों को माइनस करके। अब जो टैक्स है हम जो गवर्नमेंट को देते हैं वो है 30%, ठीक है, तो वो 45,000 आ गया आपका। और अब हमारे पास बचा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बचा है हमारे पास 1,05,000 का। अब जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो आता है पैट जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, अगर हम वो देखते हैं तो 21% का आता है। सो टोटल इक्विटी हमने देखा यहाँ पे, ये हमारी टोटल इक्विटी है 5 लाख की जिसमें 2 लाख लिया है हमने, 1.5 लाख लिया है एंड प्रेफर्ड इक्विटी जो है हमने वो लिया है 1.5 लाख, हमने डेट नहीं लिया है यहाँ पे। तो जो टोटल इक्विटी हो गई हमारी वो हो गई यहाँ पे 5 लाख की। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 21% का निकल रहा है। बट ये क्या है, ये इन केस ऑफ नॉन लिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज है जो लिस्ट नहीं है। अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी के केस में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे पैट लिया है माइनस हमने प्रेफर्ड डिविडेंड लिया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड्स जो हम देते हैं वो भी इसमें लिया हुआ है और कॉमन इक्विटीज लिए। तो अगर हम देखेंगे उस हिसाब से हमारा जो पैट था, जैसे आपने यहाँ पे देखा 1.5 लाख था, वो हमारा यहाँ पे है। अब ये जो प्रेफर्ड डिविडेंड है ये हमने क्या लिया है, अब प्रेफर्ड डिविडेंड हमारा यहाँ पे हमने लिया था 1.5 लाख का 15%, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने ले लिया 15% हो गया 22,500 को हमने माइनस किया है जो भी प्रेफर्ड डिविडेंड, जो भी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया सपोज 15% का उन्होंने साइड कर लिया जो अपने शेयर पे प्रेफर्ड डिविडेंड होल्डर्स को दिया है, ठीक है, उसमें से हमने डिवाइड किया है कॉमन इक्विटी। अब कॉमन इक्विटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन इक्विटी हुआ आपका 2 लाख इक्विटी शेयर्स प्लस 1.5 जो भी इनके रिजर्व एंड सरप्लस में है, ये हमारे कॉमन इक्विटी है, ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारा कॉमन इक्विटी है, ये हमारा प्रेफर्ड इक्विटी है बेसिकली, ठीक है। तो अब हमने उसमें अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास आ रहे 23%। तो आप देख सकते हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हम हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी लेंगे, बट इन केस ऑफ नॉन लिस्टेड जो कंपनीज है
उन पे हम लेंगे पैट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। सो इस तरीके से हमें देखना है हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी को। अब बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे वो आती है कि कंपनी किस तरीके से जो है इस मेट्रिक को जो है मैनिपुलेट करती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होगा, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं कि बहुत ही अच्छा है और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है आप सभी को, सो वो मैं बताता हूँ अभी। अब जैसे मैंने बताया रिटर्न ऑन इक्विटी आपका होता है पैट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अगर कंपनी जो है किस तरीके से जो है मैनिपुलेट करती है, तो काफी दो तरीके होते हैं इसको मैनिपुलेट करने के। या तो ऑर्गेनिकली अगर कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर दे, या तो कंपनी क्या है डेट लेती है ज्यादा, जिससे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बढ़ जाता है। सो अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। अब हमने यहाँ पे देखो टोटल इक्विटी लिया है 5 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टोटल डेट लिया है 5 लाख का, तो ये देखेंगे आप 50-50% है। टोटल इक्विटी 50% है, टोटल डेट 50% है। जैसे मैंने आपको दिखाया था 10 लाख का कैपिटल था टर्नओवर पीछे, अब आप उसको देखेंगे तो 5 लाख का हमारे पास टोटल इक्विटी और 5 लाख का हमारे पास जो है टोटल डेट है, तो 50-50% हो गया। अब इसकी इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनी है, 2 लाख ठीक है हमने एज यूजुअल जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीछे भी लिया था, 50,000 10% हमने इंटरेस्ट हटाया, ठीक है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया इन दोनों को माइनस करके। अब हमने देखा टैक्स हमने लिया यहाँ पे 45, तो ये हमारा आ गया 1,05,000। तो ये हमारा इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सेम एज इट इज हमारा 21% के आसपास जो है वो बन रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब किस तरीके से कंपनी मैनिपुलेट करती है अब मैं आपको वो बताऊंगा। देखो टोटल इक्विटी यहाँ पे अगर कंपनी लेती है 2.5 लाख, ठीक है कंपनी ने क्या है अपनी इक्विटी को कम कर रखा है यहाँ पे 2.5 लाख है, और डेट को इंक्रीज कर दिया है 7.5 लाख कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट हो गया 75% और यहाँ पे टोटल इक्विटी देखेंगे तो हो गया 25%। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि डेट कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है, टोटल इक्विटी का देखना किस तरीके से फर्क पड़ेगा, टोटल इक्विटी किस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब हमने सेम यहाँ पे भी लिया, इस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने लिया है, ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने 2 लाख का लिया। अब यहाँ पे जो है इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 10% लिया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आप कितना लगाओगे, इंटरेस्ट 10% हो गया 7.5 लाख पे हो गया। पहले हमने क्या करा था, पीछे हमने 5 लाख पे लिया था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 5 लाख में हमने लिया था, तो 50,000 आया। यहाँ पे हमने क्योंकि डेट इंक्रीज किया 7.5 लाख का हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो भी हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो 75,000 का इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकल कर आया 1,25,500। अब आप देखो कि टैक्स है तो जो हम टैक्स एज यूजुअल लेते हैं 30% हमें मान लो गवर्नमेंट को देना है, तो वो हो गया 37,500 का। अब हमारे पास यहाँ पे देखोगे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हो गया 87,500 का। इस केस में देखोगे तो 1,05,000 का है, इस केस में क्योंकि डेट इंक्रीज कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यहां पे ज्यादा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे कि क्या है, यहां पे हमने देखा कि हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 35% निकल कर आ रहा है, डेट इंक्रीज करने पे सीधा 35% हो गया, और जब डेट नॉर्मल है तो 21% है यहाँ पे, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने यहाँ पे जो है टोटल इक्विटी से जो हमारा 2,50,000 का है वो हमने लिया है, तो उसको डिवाइड करके हमारा 35,000 आया। सो इस तरीके से क्या करती है कंपनी डेट इंक्रीज कर देती है, अपनी डेट लेती जाती है और उनका जो पैट है जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। डेट इंक्रीज होने से रिटर्न ऑन इक्विटी ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाएगा, जैसे आपने यहां पे देखा है। सो हमें हमेशा जब भी हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कि क्या कंपनी डेट इंक्रीज कर रही है अपना, क्या किस तरीके से वो डेट ले रही है, क्या वो जो डेट ले रही है वो सही काम के लिए ले रही है नहीं ले रही है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, तभी रिटर्न ऑन इक्विटी का जो है आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप जो है ट्रैप हो जाओगे इजिली और आपको जो है लॉस हो जाएगा इसमें। सो गाइज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी को हम चेक करते हैं और किस तरीके से कंपनीज जो है इसे मैनिपुलेट कर सकती है काफी ज्यादा डेट इंक्रीज करके। और कई ऐसी कंपनीज है जो काफी टाइम से लॉस बुक कर रही है, बट एक क्वार्टर में अगर उसका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा आ जाता है, जैसे 200-300% प्रॉफिट्स आ जाता है, तो भी जो है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंट जो है ऊपर चले जाता है। तो ये सारी चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिए कि ये आप जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं तो आप पहले ये देखिए कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है, क्या कंपनी ज्यादा डेट ले रही है, क्या आपने इक्विटी को इरोड करके डेट को ज्यादा इंक्रीज करके रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीज करी है, सो दैट रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें आके ट्रैप हो जाए, या फिर वो काफी लंबे टाइम से जो है लॉस पे थी और एक दो क्वार्टर से वो प्रॉफिट में है तो भी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे ही कई सारे मेट्रिक्स है जिसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।